हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आज मैंने आप लोगों के लिए नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का एक क्वेश्चन लिया है सो कम ऑन लेट्स गो सॉल्व दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पैथवे इन रिस्पांस टू इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ प्लांट जो है आपका डिफरेंट पैथवे को फॉलो करता है ओके okay. डिफरेंट पैथवे को फॉलो करता है इन्वायरमेंट और फेजिज ऑफ लाइफ के रिस्पॉन्स में इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में या yeah, यूँ कह सकते हो कि लाइफ के जितने भी फेजज आते हैं ना यू नो ऑडल्ट फेज आता है चाइल्ड फेज एह डिजिवेनाइल फेज जिसे प्लांट के लिए बोलते हैं ओके okay, तो इस तरीके से जो फेजिज आते हैं तो उसमें जो प्लांट का है वो अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ओके okay. देखिए प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पैथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड वो अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो इस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं ओके okay, तो इस एबिलिटी का आपका इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट नंबर ही हो जाएगा इस एबिलिटी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं प्लास्टिसिटी बोलते हैं क्योंकि देखिए होता क्या है कि सपोज uh, दैट आप किसी बच्चे को देखते हो तो उसका जो फेस का स्ट्रक्चर है जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा चेंज हो जाता है फिर उसके बाद जब वो यू नो एडोलेशन एगोलेशन पीरियड में आता है तो और भी चेंज हो जाता है एंड धीरे धीरे मैच्योर होता है तो कुछ और होता है ठीक है तो उसी तरीके से उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज आता है तो वो ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप प्लांट का भी समझ पाओ कि पहले कुछ और होता है जब स्टार्टिंग का फेज रहता है तो वो कुछ अलग टाइप का दिखता है फिर वो अलग अलग टाइप का प्लांट फॉर्म कर जाता है फिर जो फेजिज ऑफ लाइफ के थ्रू उसका जो चेंज आता है उसे ही हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए एनिमल का एग्जाम्पल ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया था तो इसमें आपका प्लास्टिसिटी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका प्लास्टिसिटी हो जाएगा ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है प्लांट ग्रोथ एंड डवेलपमेंट जहाँ पे आपको फेजेज ऑफ दिया है फेजेज फेजेज दिया गया है आपका ढेर सारे आपको प्लांट के स्ट्रक्चर बना के दिखाए गए हैं उसी के जस्ट ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है उसी में ऊपर में लिखा गया है कि आपका प्लांट फॉलोज डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेज़ ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ओके डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और इस एविलिटी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं बहुत ही ईजी है इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है फर्स्ट लाइन से पूछा गया है ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है घुमा कर पूछा गया है कुछ नहीं बहुत ईजी है सामने से पूछा गया है सामने से आप लगा सकते हो प्लास्टिकसिटी एंड फर्स्ट नंबर में इसका ऑप्शन ही दिया गया है मैच्योरिटी दे रखा है तो ये मैच्योरिटी कहीं से भी नहीं होगा इलास्टिसिटी भी नहीं होगा फ्लैक्सीबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा ये सारे रॉन्ग है ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन का ही है यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट मिलते हैं अगले क्वेश्चन में